थैंक यू भैया। हेलो सर, पहुंच गए आप? हाँ, मैं हॉस्टल तो पहुंच चुका हूँ। कीज़ है ना आपके पास सर? हाँ, कीज़ है मेरे पास। धन्यवाद। आओ अंकुर। आप मुझे जानते हैं? हाँ, वार्डन ने बताया था। आप फ्लूट अच्छा हो जाते हैं। हेलो, आई एम अंकुर। डोंट यू थिंक सनसेट हियर इज वेरी ब्यूटीफुल? हाँ, सूरज के साथ दुनिया को अंधेरे में डूबता हुआ जाना देखना अच्छा लगता है।
हेलो, क्या यार पता नहीं किस जगह पे आया हूँ। बड़ी अजीब जगह है यार, यहाँ पे लोग भी अजीब हैं और पता नहीं कुछ नॉर्मल सा फील नहीं हो रहा है। खैर तू बता तेरा क्या चल रहा है। हाँ भाई कुछ भी हो तो फोन कर दियो वरना मैं जब आता हूँ तो मिलता हूँ। हाँ पक्का पक्का, ओके ओके रख रख। बार बार हाँ बोले यार हाँ, अपनी जीत हो हाँ हाँ। ओ क्या भाई बधाई दी है तुमने। ये क्या कर रहे हो भाई। कुछ बेजान चेहरों को फिर से जिंदा कर रहा हूँ। क्या इस पानी में अपना चेहरा दिख रहा है। हाँ मुझे भी परिंदे मिट्टी में मिल जा, तुझे जल्द में तू फूल सा खिल जा। ओ परिंदे मिट। कौन है साहब, क्या हुआ, ठीक हो आप? ठीक हूँ, बस एक अजीब सी घबराहट हो रही है और उसकी वजह भी नहीं दिखाई दे रही। अरे साहब ये पेड़ों के जो पत्ते हैं ना वो भी ऐसे बेवजह नहीं हिलते, और आपकी ये बेचैनी और घबराहट तो बहुत बड़ी चीज है। वैसे एक हैरानी वाली बात बताऊं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मतलब ये कि आपका यहाँ आना तय हो गया था। अजीब बात है। अजीब बात तब होती जब आप यहाँ ना आते। आपने तो यहाँ आने की ठान ली थी, आप मानो या ना मानो। माफ कीजिएगा लेकिन आपकी बातें कुछ डरा रही है मुझे। अरे डरने की कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सिगरेट है आपके पास? अरे मैं नहीं पीता, आप जलाओ, कहानी वैसे लंबी चलेगी। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए आप। चलिए चलिए, कहानी पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, यहां एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, और इस तालाब के किनारे एक अजीब सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग और
इस तालाब में एक अजीब रिश्ता था। इस पानी में लोग ये सिर्फ तय करने के लिए, छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते थे कि इनमें पुण्यवान कौन है और पापी कौन। आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। चलिए मैं समझाता हूं। इस तालाब के किनारे हर साल एक उत्सव होता था, मौत का उत्सव। सैकड़ों हजारों लोग इस पानी में छलांग लगाते थे। बहुत सारे लोगों को यह तालाब अपने आप में समा लेता था और जो भी इस तालाब में समा जाते थे वो पुण्यवान कहलाते थे। और जो पापी होते थे वो तो इस तालाब की गोद में एक जगह नहीं बना पाते थे और उनके शव इसी तालाब के पानी पर तैरते रहते थे। क्या? हाँ, कितने शव इस पानी पर तैरते रहते थे और उन सबको पापी करार दिया जाता था। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी है। ऐसे कैसे किसी की जिंदगी या मौत या किसी के चरित्र का फैसला लिया जा सकता है? बड़ी दर्दनात्मक मौत मिली होगी उनको। आपको किसने कहा कि उनको मौत नसीब हुई? साहब, मौत तो इस भवसागर से मुक्ति का मार्ग होती है, लेकिन अन्याय इतनी जल्दी अन्याय इतनी जल्दी किसी का पीछा कैसे छोड़ सकता है? मतलब ये कि वो मानव आत्माएं पाप और पुण्य के इन फैसलों से बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन उनकी विडंबना यहाँ पर खत्म नहीं हुई। वो जो तैरते शव थे उनको फिर से बाहर निकाला जाता था, उनको हाथों से साफ किया जाता था, उनको आग में जलाया जाता था और उनकी वो राख यही जगह जगह पर फैलाई जाती थी। कमाल है, इतने खूबसूरत पेड़ पौधों को देखकर लगता नहीं है कि इनका इतिहास इतना डरावना रहा होगा। आपकी कहानी भी बहुत डरावनी थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपको किसने कहा कि कहानी खत्म हो गई? कहानी अभी बाकी है। ठीक है, वो फिर कभी सुनेंगे। अभी मैं चलता हूँ। सुनिए। नहीं, मैं अरे मैं फिर कभी सुन लूंगा भाई साहब। अभी मैं चलता हूँ। भाई साहब सुनिए, भाई साहब, अरे मेरी बात सुनिए, रुकिए। अरे कहाँ चलिए? अरे भाई साहब, अरे तुम अभी सोए नहीं? वक्त हो गए। हाँ, वक्त तो हो ही गया है।
इस पानी में अपना चेहरा दिख रहा है? अभी बाकी है। यहाँ की दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ जिन लोगों से तुम मिले वो वास्तव में इस दुनिया के है ही नहीं, लेकिन तुम अब जहाँ जा रहे हो वो तुम्हारी दुनिया होगी। यहाँ की बांसुरी की आवाज अपने अतीत को पुकारती है। दीवारों से कान लगाओ तो बहते पानी की आवाज आती है और पेड़ों का हर एक पत्ता सूरज ढलने की राह तकता है। राख से उगे ये जो पेड़ है, इनमें कल तुम भी जुड़ जाओगे और उनके साथी बनोगे। सही गलत न्याय अन्याय इस चक्र में कल वो थे, आज तुम किरदार हो। अब इसे विधि का विधान कहो या काल की महिमा, लेकिन ये होना तो तय था। इसे ना तुम रोक सकते हो और ना ही मैं। भैया प्लीज दरवाजा खोलो। भैया जल्दी जाने दो। भैया मैं आपको बाद में बता रहा हूं, अभी जाने दो। भैया कहां गए? भैया भैया अरे कोई है? अरे खोलो भैया। भैया कहां गए? अरे काश मैं तुम्हें बचा पाता, पर मैं मजबूर हूं। ये जिसे तुम अपना अंत समझ रहे हो वो तुम्हारा अंत नहीं, नवजीवन है। ओ परिंदे तू मिट्टी में मिल जा, तुझे जल दूं मैं तू फूल सा खिल जा।
अंकित